दर्शकों वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम। ये डॉक्टर साहब साडा अगला फेसबुक मैसेज आया है रजिंदर पाल सिंह जी का। ये लिखते हैं, सत्कारयोग डॉक्टर अमजीत सिंह जी, मैं आप नूं काफी सुनदा हां ते तुहाडे विचार काफी वधिया ते सोचन ते मजबूर करन वाले हुंदे ने, पर तुहाडी कलम च मैं ये लिखिया देखिया है कि बादल लाना घर वापस परतेगा। जे तुसीं मैनूं पुछोगे तां मैं यही कहांगा, बादल लाना कदी घर वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी सोच मुताबक सिख घर बादल दा घर नहीं है। ओ सिर्फ दिखन च सिख लगदा है, जदके असल च ओ सिखां अते खास करके अकाली दल नूं इन्ना बदनाम कर देना चाहुंदा है कि लोक आउण वाले समें च कदी भुल के भी अकाली दल नूं वोट ना पाउण। इही असल एजेंडा है बादल लाने दा। तुहाडे लेख तों इंज लगदा है कि जिवें तुसीं बादल दीआं मिन्नतां करदे पए हो कि घर वापस आ जा। हरियाणा चोणां बादल लाने वालों बीजेपी दा साथ ना देना एक बहुत वड्डी साजिश है। इसे कारण ही बीजेपी हरियाणे विचों जित्ती, क्योंकि बादल ने हरियाणे विच HSGPC दे विरोध करन कारण काफी वड्डा तबका अपने विरोध च कर लिया सी। बीजेपी नहीं सी चाहती कि बादल उन्हां नाल रले, एदा उन्हां नूं नुकसान होवे। हुण हरियाणा दे मुख्यमंत्री दी सहुं चुक समागम च बादल आया तां पर मोदी बादल नूं नहीं मिलिया। अजकल मीडिया च ये काफी चर्चा च है। बहुतियां गल्लां ना करदे होए मैं ये कहना चाहुंदा हां कि इस सदी दा सब तों वड्डा गद्दार बादल है। तुसी सूझवान हो, कृपा करके ये आस ना रखो कि वह सुधर जाऊगा। इन्हें उही करना है जो बीजेपी अते RSS ने कहना। हुण जेतली ने कोरा मना कर दिता है कि पंजाब नूं कोई पैसा नहीं मिलेगा, ते बादल हजे भी इस बीजेपी अते जेतली दे गुण गा रहा है। इस बंदे नूं जिन्नियां जुत्तियां मारोगे उन्नियां तुहाडियां जुत्तियां चट्टेगा। इन्ना होण तों बाद भी तुसी उम्मीद करदे हो कि बादल घर वापस आएगा? ना, कदे भी नहीं। जड़ा इंसान बाबा पिंडरां वाले नूं धोखा दे सकदा है, सोचो ओह बंदा सिखां लई किवें चंगा हो सकदा है। सानूं लोड है इस राजनीति नूं होर समझण दी। लिखदियां कोई गलती होगी होवेगी तां माफी चाहुंदा हां। मेरा मकसद तुहाडा दिल दुखाउणा नहीं है, पर यह चंगा नहीं लगता कि तुसीं बादल तों उम्मीद रखो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह वीर रजिंदर पाल सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सानू लिखिया जी। असि वैसे कल इस नूं रिस्पोंड कर चुके हैं क्योंकि इस बारे होर भी लिखता आई है। चंगी गल है कि भी साढ़े दर्शक श्रोते जिहड़े ने उह हर गल नूं अपने एनालिसिस दे नाल भी देखते हैं और यही एक प्रौढ़ता भी होंदी है। और मैनूं चंगा लगता जदों कोई साढ़े व्यूज नूं चैलेंज करता है, खास तौर पर पंथक वेहड़े च बैठा वीर पैणा जो जदों कोई इस किस्म की लिखत आती है। हालांकि मैं होर बहुत सारिया लिखत इस ते आईया ने। अज ही भैन जी शमिंदर कौर का अर्जेंट मैसेज आया, उन्होंने सगों सानू लिखा है कि जी अवतार सिंह मक्कड़ और दूसरी सारी टीम जिहड़ी है वह यूबा सिटी तुहाडे आई है, तुसी उन्हां नाल जरूर मिलो और इस गल वल ध्यान दिओ कि जिवें हुण RSS श्रोमणी कमेटी नूं खत्म करना चाहुंदी है ते इह वेला आपस दे विच वंडियां पाण दा नहीं है और इन्हां दे नाल जिहड़ा उह सिक्खी नूं बचाण दे लई आपसी धिरां दा जिहड़ा उह नेड़े आना जरूरी है। सो ये मैं समझदा भी एक व्यू पॉइंट है आडर, और मेरा ख्याल कल वाली जे सैगमेंट नूं वीर रजिंदर पाल सुणगे तो फिर असी उन्हां दे इस कंसर्न नूं भी लिया। उन्होंने जिहड़ा ये कहा कि भी बादल इस सदी का वड्डा गद्दार है, इहनूं जिन्ना भी कुट पै उन्ना ही ये होर लिफदा जिहड़ा वो सामने आउंदा। भी इहदियां मिन्नतां करन दी लोड़ नहीं, नहीं वैसे वीर असी मिन्नतां तां नहीं कीतियां। असी तां हुण जिवें मैं दस्या सी वी उह कहिंदे ने वी लग्गा साडा मरवाउण बादल नूं खालिस्तान दे चढ़ा के जहाज दे ते तुसी कहंदे हो कि जी दूसरा कर रहे हो। बाकी हरियाणे वाली शायद गल ठीक नहीं है कि भी बीजेपी दे नाल कोई साजिश हुई, क्योंकि लोक दल इन्हां दी एक्सटेंशन ही है। इन्हां दा चोरी दा माल सारा वो ओम चटाले और दूजे रख्या हुंदा, उहदा इधर रख्या हुंदा। श्रोमणी कमेटी चोणां वेले भी अपने मैंबर उन्होंने जाके उत्थे लुकोए हुए सी और कई हज़ार करोड़ की जिहड़ी प्रॉपर्टी है होटल दूजे तीजे चटाला फैमिली ते दूजे ये बेईमानी के भाईदार ने। सो इन्हों का नाल नाल रहना और कमांड संभालनी इन्हों का हिस्सा सी, पर इहदे च कोई शक नहीं है कि बादल एक जिहड़ा बेगैरत आदमी है। और कल ही असी जिक्र किया, उन्हें कहा जी असी 50 साल तो RSS के नाल हैं और BJP के नाल हैं और मैं जिनी देर ज्यौदा ये साडा 9 मास का पति पति का पत्नी का रिश्ता कायम रहेगा जी सदके कायम रहे। असी तो
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਟਰ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਧੋਣੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਹੀ ਫੜਾਈਏ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤੀ ਗੇਟ ਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਵੀਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਫਿਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂੰਛ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਲ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂੰਛ ਕੱਟ ਕੇ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਜਾਏ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।